उदयपुर शहर में शनिवार देर रात बहुत से वृक्ष जलदाय विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। विभाग की लापरवाही से कई वृक्षों का जीवन खत्म हो गया तो बहुत से पेड़ अंतिम सांस लेते हुए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दो दिन पूर्व पटेल सर्कल स्थित वाटर वर्क्स कार्यालय में क्लोरीन गैस का रिसाव होने के बाद शनिवार देर रात कार्यालय परिसर में लगे बरसों पुराने कई पेड़ों के पत्ते झड़ गए। वहीं बहुत से पेड़ों पर जले हुए पत्ते दिखाई दिए। शनिवार देर रात कार्यालय के आसपास बनी गलियों में पेड़ों के पत्ते झड़कर सड़क पर फैल गए। नजारा ऐसा था मानो कि पूरी गली में गलीचा बिछा दिया गया हो। अचानक सभी पेड़ों से पत्ते झड़ने से क्षेत्रवासी भी एकाएक कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ देर बाद अंदाजा लग पाया कि बीते दिन कार्यालय में पड़े क्लोरीन गैस के सिलेंडर से रिसाव होने के बाद जिस तरह से क्षेत्रवासियों ने भी घुटन महसूस की थी, उसी प्रकार इन पेड़ पौधों ने भी जानलेवा गैस की चपेट में आकर अपना दम तोड़ा है। दरअसल जानलेवा क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद क्षेत्रवासियों में भी कईयों को दम घुटने की शिकायत पर अस्पताल ले जाना पड़ा था, लेकिन हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को भी जानलेवा गैस की चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ी है। जलदाय विभाग में रखे बड़े बड़े क्लोरीन गैस के सिलेंडर रिहायशी क्षेत्र में होने की वजह से किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। परसों नल आए थे, उस समय में वो गैस का बाटला लीकेज हुआ था, तो उसमें क्या सब जितने हम 10-12 मकान वाले हैं गली में, सबका दम घुट गया था। किसी को उल्टी हो रही, किसी को क्या हुआ, कि हॉस्पिटल ले जाने पड़े, सब कुछ हुए। फिर बाद में क्या हुआ था, ये सब वृक्ष लग रहे अंदर, उसके पत्ते सब सूख गए थे गैस सिलेंडर से। फिर क्या हुआ, पिछली गली में पत्ते पड़े हुए, हमारी गली में पत्ते पड़े हुए, हम साफ सफाई कर रहे हैं, गया। कितने पेड़ हैं और कितने पेड़ हैं अंदर, नीम का है, कंजी का है, जामुन के है, सब पेड़ के पत्ते सूख गए थे गैस लीकेज होने से। कितने पुराने पेड़ हैं ये? कितने पुराने, ये 40 साल पुराने पेड़ है।